गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वन हंड्रेड एंड फिफ्टीन डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स आर नोन टू अस एज प्रेजेंट तो कहते हैं आज अभी हम सिर्फ एक सौ पंद्रह एलिमेंट के बारे में जानते हैं दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड ये एलिमेंट आपस में कम्बाइन होकर बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल द कंपाउंड कैन बी क्लासीफाइड इन टू थ्री ग्रुप्स उनके इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे इनको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया है एसिड बेस एंड सॉल्ट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ कंपाउंड एसिड बेस एंड सॉल्ट इन डिटेल नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू यू मीन बाय इंडिकेटर फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस ठीक है इंडिकेटर क्या होते हैं एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंज इट्स कलर व्हेन इट इज़ पुट इनटू एन एसिड और बेस अब एसिड और बेस का अगर सेम कलर होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर इंडिकेटर एक कलर होता है डाई होती है जो अपना कलर चेंज कर देती है जब उसमें एसिड और बेस डालते हैं एन इंडिकेटर वो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेस दस एन इंडिकेटर टेल्स अस वेदर ए सबस्टांस वी आर टेस्टिंग इज अ एसिड और बेस बाई चेंजिंग इट्स कलर ठीक है तो एसिड और बेस का कैसे पता लगाता है डाई कलर चेंज कर देती है एसिड में अलग कलर बनाएगी बेस में अलग कलर बनाएगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एसिड है और ये बेस है द थ्री मोस्ट इंडिकेटर टू टेस्ट द एसिड एंड बेसिस आर लिटमस मिथाइल ऑरेंज फिनॉल्फर लीन द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी आर लिटमस लिटमस कैन बी यूज इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन एंड लिटमस पेपर इट इज ऑफ टू टाइप ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस एंड एट एसिड टर्न ये है ब्लू लिटमस ये रेड लिटमस है एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और रेड लिटमस को किसी में कन्वर्ट नहीं करता जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और ब्लू लिटमस को किसी में भी कन्वर्ट नहीं करता है. इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं लिटमस पेपर से एसिड और बेस का क्योंकि एसिड में डालेंगे तो जो ब्लू लिटमस है वो रेड हो जाएगा रेड लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा और अगर बेस होगा तो जो रेड लिटमस उसमें डालेंगे तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा आएगा ठीक है नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन जो मिथाइल ऑरेंज uh, है वो रेड कलर देता है एसिड में और येलो कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में और फिनोल्फथलीन phenol एसिड में कलरलेस होता है और बेस में कैसा कलर देता है डार्क पिंक कलर देता है नेक्स्ट है बेटा yet another एसिड base indicator is the universal indicator we will discuss it later on the chapter litmus इज अ नेचुरल इंडिकेटर लिटमस जो है वो नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस सोल्यूशन इज अ पर्पल डाइविच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द टाइप ऑफ प्लांट लाइक लाइकन लाइकन इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिविजन था नाइर एसिडिक नोर बेसिक देन इट्स कलर इज पर्पल ठीक है जब लिटमस सोल्यूशन ना तो एसिडिक हो ना बेसिक हो तो उसका सोल्यूशन कैसा रहेगा पर्पल रहेगा इट टर्नस रेड इन लिटमस एसिडिक सोल्यूशन एंड ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन टर्मेरिक इज ऑल्सो ए नेचुरल इंडिकेटर आपने देखा होगा बेस के साथ रेड कलर देता है जब हम साबुन अप्लाई करते हैं जहाँ पे टर्मेरिक पाउडर लगा होता है तो रेड कलर आता है एसिड के साथ इसका सेम कलर रहता है येलो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट एक रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ये भी नेचुरल इंडिकेटर है ये कैसा कलर देता है कलर रेड कलर इट इज़ द रेड इन कलर द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन रेड इन एसिडिक सोल्यूशन और ग्रीन हो जाता है बेसिक में नेक्स्ट इंडिकेटर है ऑलफेक्ट्री इंडिकेटर द टर्म ऑलफैक्ट्री मीन्स द रिलेशन टू द सेंस ऑफ स्मेल ऑलफैक्ट्री का कहते हैं रिलेशन किससे है सेंस ऑफ स्मेल से दो सबस्टांस हु चेंजेस इन द एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन आर कॉल्ड एलिफेक्ट्री इंडिकेटर जिसका कहते हैं स्मेल जो है वो चेंज हो जाए एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में उसको बोलते हैं अलफैक्ट्री इंडिकेटर फॉर एग्जाम्पल जो वनीला एक्सट्रैक्ट होता है या ऑनियन एक्सट्रैक्ट होता है वो दोनों ही एसिड में अपना स्मेल चेंज नहीं करते बट बेस में दोनों की स्मेल ही हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट है एसिड क्या होते हैं एंड एसिड्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच हैव अ साउ टेस्ट एसिड क्या होते हैं जिनका साउ टेस्ट होता है एसिड जो होते हैं वो कलर कर देते हैं चेंज कर देते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं सम ऑफ द कॉमन फ्रूट्स एज रॉ मैंगो रॉ ग्रेप्स रॉ लेमन ऑरेंज टेमरेंड ये सारे ही एसिडिक इन नेचर होते हैं इन सब में एसिड प्रेजेंट होते हैं द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट मटीरियल एंड इन एंड एनिमल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स ऑर्गेनिक एसिड्स आर नेचुरली अक्रिंग एसिड सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर एसिटिक एसिड सिट्रिक एसिड लैक्टिक एसिड टाटेरिक एसिड ऑक्सैलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड सम ऑफ द नेचुरल सोर्सिस ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर आई फॉलो एसिटिक एसिड आर फाउंड विनेगर सिट्रिक एसिड आर फाउंडस फूड सचेज लेमन ऑरेंज लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन साउरमिल कर्ड, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन टेमरिंड एंड एनराइ ऑक्जैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टमाटो, टोमैटो वेरासफॉमिक एसिड इज प्रेजेंट इन आर्टस्टिंग लीफ स्टिंग ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड इट इज़ नॉट हार्मफुल टू ईट एंड ड्रिंक सबस्टांस कंटेनिंग नेचुरल अक्रिंग एसिड इन दैम तो जो नेचुरल एसिड होते हैं वो हार्मुल नहीं होते हैं उनको हम इनटेक कर सकते हैं द एसिड प्रिपेयर बाई प्रिपेयर फ्राम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ हारकॉल मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड और ये वाले जो एसिड होते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं स्ट्रॉग एसिड क्या होते हैं वीक एसिड स्ट्रोंग एसिड होते हैं लाइक सल्फ्योरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड ठीक है और बी एसिड कौन से होते हैं एसिटिक एसिड एसिड फॉर्मिक क्लियर और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो लार्ज नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन देते हैं सॉल्यूशन में बीक एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं कंसनट्रेशन एंड डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होती है कंसनट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट जिसमें सबसे कम वाटर होगा उसको कॉन्सनट्रेटेड एसिड बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज वन विच कंटेन मच मोर वाटर इन इट डाइल्यूट एसिड उसको बोलते हैं जिसमें ज़्यादा से ज्यादा हम पानी मिला देते हैं और एसिड के डाइल्यूशन कभी भी एसिड भी में पानी नहीं डालते हैं हमेशा पानी में एसिड को कंटिन्यू स्टेरिंग के साथ डालते हैं द डाइल्यूशन ऑफ ए कॉन्सनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज भी डन बाई एडिंग कॉन्सनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टेरिंग एंड नॉट बाई एडिंग वाटर इन टू अ कॉन्सनट्रेटेड एसिड ऐसा क्यों है वैन कंसनट्रेटेड एसिड एडिड टू अ वॉटर प्रिपेयरिंग डाइल्यूट एसिड दैन हीट इज इवाल्व ग्रेजुअली एंड ईजिली बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ठीक है लार्ज अमाउंट ऑफ एक्जोथामिक रिएक्शन होती है जब हम पानी में एसिड डालते हैं तो वो सारी हीट पानी ले लेता है बट जब हम एसिड में पानी डालेंगे तो बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो बम्पिंग हो जाएगी एक्सीडेंट हो जाएगा एकदम से ऊपर की तरफ एक्सप्लोजन हो जाएगा जिसकी वजह से आप जल भी सकते हैं इसीलिए हमेशा ऐसे पानी में एसिड डालते हैं एसिड में कभी भी पानी नहीं डालते आज के लिए इतना है नेक्स्ट हम बाद में पढ़ेंगे